Hey foodies, welcome back to Doodle की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चने। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। मैंने यहाँ लिया हुआ है 1 कप उबले हुए चने। इन चनों को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था और सुबह उबाल लिया हुआ है। उबालने के लिए मैंने सिर्फ एक ही विसल लगाया था। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। यहाँ मैं इन चनों को इस तरह अपने उंगलियों से दबाकर एक प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरह से बारी बारी से मैं सारे चने तैयार कर लूँगी। ये मेरे चने तैयार हो चुके हैं। इन चनों को मैं 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लेती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लिया हुआ है। अब मैं इन चनों को इसमें फ्राई कर लेती हूँ। इन चनों को हमें मध्यम आंच पे करारा होने तक फ्राई कर लेना है। चने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इन चनों को एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेती हूँ। ये चने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें काला नमक, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर सर्व करूँगी। आप चाहें तो इस क्रिस्पी चने को ऐसे ही खा सकते हैं या इसका चाट भी बनाकर खा सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये चने पसंद आए होंगे और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करो।